फिर जो करे वो असली बूट कैंप टूर है भैया। हल्का सा हाउस टूर देता तुम लोग गाइस। अगली ट्रॉफी यहाँ पे आएगी, तो जगह बना के रखा है। ये मेन लॉबी है, यहाँ पे मैं फिलहाल सड़ता रहता हूँ क्योंकि नेट नहीं है मेरे पास। ह्यूज फिश टैंक है, मस्त है। इसके अंदर का उर्वेज दिखेगा अगर मेरे को नेट नहीं मिला कल तक। तो ये देखो, ये सब इनके इम्पोर्टेंट लोगों के फोटो है, तस्वीरें छपी है। ऑब्वियसली मेरा भी है, फेक नहीं है वो। ऑब्वियसली मैं भी हूँ इधर, तो सवाल ही नहीं उठता। ये आदमी तो पता ही है तुम लोग को, जब से आए हो एक ही पोजीशन में देखा है मैंने इसको, इधर ही है। जब से आए हो इधर ही है ये आदमी। ये लिफ्ट है जो अब भी मेरे को रियलाइज हुआ है घर के अंदर है। ये एरिया तो आपको पता ही है, ये वाले एरिया पे नैट जियो का रिसर्च चल रहा है। दुनिया के लीडिंग रिसर्चर्स का मानना ये है कि अगर आप 5 मिनट ये रूम के बाहर खड़े रहो तो 2 गालियाँ सुनाई देगी हमको। ये गोल्डी भाई का रूम है, यहाँ पे आप खड़े रहोगे तो आपको LV, गुची और पैसों की खुशबू आएगी। ये सब पता नहीं क्या है मेरे को, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं लाइफ में, रहेगा कुछ पता नहीं। ये इधर साल के एंड तक देखते अपना नाम आता है क्या, नहीं आया तो बॉल पेन से इधर हल्का सा लिख लूँगा कोने में। इनको पता भी नहीं चलेगा लेकिन मेरे को मालूम रहेगा मेरा भी नाम। और ये सब तो आपको पता ही है, ये मेरा कलेक्शन है अभी। यहाँ पे पानी भी मामाअर्थ के बॉटल में मिलता है। यहाँ पे नॉक करोगे तो एक बंदा अपना DSLR लेके आएगा, मुँह में डाल देगा आपके और पूछेगा कैसे हो। क्या डाला है फिर ने? साल के क्या सुविधा लग रही है सर्जर्स का मानना ये है कि अगर आप 5 मिनट के रूम के बाहर खड़े रहो तो 2 गालियां सुनाई देगा। अबे यार सिड भाई गलती है यार। इंस्टाग्राम भाई क्रेजी भाई, फुल फाइन एंटरटेनमेंट भाई। बट बूट कैंप टू तो क्या ही कहने लोग ना, ये है ना असली बूट कैंप टू। इसलिए जो कर रहा है फिर जो करे वो असली बूट कैंप टू है भैया। ਸਾਹੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਚਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ।